बे सारे बहन भाइया ने कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँ सब बहुत अच्छे होंगे बे। आज के बारह आज अबे थर्सडे और आमे तैयार हो रहे हैं। 12:15 बज गए हैं बे। आम तैयार हो रहे हैं आज गांव में जाने के लिए। गांव में जान लाग रहे हैं। सुमित ने कर ली है गाड़ी शुरू। आज बे ये वैसे तो गए थे लेकिन मेरी ननद आवा है तो बोली गांव में आ रही हूँ मैं, आवाज रुकेगी तो फिर हमने भी सोचा चलो हम भी मिल आते हैं। सारे जने इकट्ठे होते हैं बहुत अच्छा लगता है बे। पहले के दिन याद आ जावा, पहले जैसे सारे जने इकट्ठे होया करते, बैठ कर बातचीत करया करते, बहुत अच्छा लग्या करता। लेकिन बे हमने शाम ने वापिस आना पड़ा है क्योंकि यहाँ फिर कोई भी कोने तो कोई गेट खुला छोड़ेगा, कोई मोटर चलती छोड़ेगा, किराएदारा के साथ तो यही है। तो हम तो आ जावेंगे शाम ने, लेकिन थोड़े से हो ही गए लेट। थोड़ी सी लेट बताई मेरी नरेंद्र ने कि मैं चल पड़ी हूँ, नहीं तो जल्दी चल पड़ा। चलो चलते हैं, आ जाओ आप सबको भी गांव में घुमा लेती हूँ। मेरी देवर वाली छोरी भी आई हुई है गांव में, हमने उसके लिए भी मेरी ननंद के लिए भी सूट ले लिए हैं, दे आवांगे सामान में। और कविता ने पहने है भाई ये मोर वाला सूट। आज तो मेरा जूती गाड़ ली, मैं तो पहनती ही नहीं जूतियां ने बेरन। मैंने जूती सुहान दिए कौन भे, जो पैर नीचे टका है ना तो मेरी डिश में दिक्कत है तो वो पैर में दर्द होने लग जावे है। मैं कविता ने कहू थी तू ये पहन लिया कर, मैं तो नाम नाम कर लिया ले तो आई थी, पहनती नहीं एक दिन भी। मैंने ये कदम वाली ही चप्पल सुहावे है भाई, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो है ना तो यही वाली चप्पल सुहावे हैं। फिर लियाऊंगी और एक आगे जोड़ी। कविता दिखा दे एक बार और अपना सूट सूट का अच्छा लग रहा सुननी ने लिया। पसीने इतने आ रहे हैं। कविता का नुगा पंखा का नीचे सूट पहने पाचे तो पंखा का नीचे था करने जी है नहीं करता। बताइए किसा लगा, सुंदर लग रहा है। चलो बे जाया वहां एक बार, थोड़े लेटे हो रहे हैं। चलो चलो भाई चल पड़े हाँ, शाम को आ जाएंगे ऐसे हम 2-3 घंटे लगा के आएंगे। लो बे चल पड़े थे हम, ये है रास्ते की क्लिप बेजमा, कती राम हो रहा था कती काला बोला आनन हो रहा था। लेकिन ये नून फरुख नगर साइड में था, आगर रोहतक साइड में कहीं कोई बारिश नहीं थी। बीच में एक आधी जगह हल्की फुल्की सी बारिश आई थी ना, कोई खास नहीं थी। तो हमने तो सोचा था हम तो गांव में जाऊंगे खूब जोर की बारिश होती पाओगी, लेकिन कुछ नहीं पाया। बे मौसम बिल्कुल सही था। आगे मेरी ननंद आ गई थी, वे हमने वारो तक तो ले ली थी। फिर हम सारे जने पहुंचे गांव में और गांव में हमने कोई क्लिप नहीं निकाली। फिर हम आन लगे ना, फिर वहां की क्लिप निकाली। वे गांव में बैठे उठे बातें उतें करने लगे, ध्यान ही नहीं रहा कोई क्लिप निकालन का। तो करो बे आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय, देखो कितना काला राम जी हो रहा था। यहाँ गुड़गांव में अभी 2-3 दिन पहले गामा कानी अपने बारिश होगी, लेकिन यहाँ ना हुई थी वे। और फिर आगे थे बे हमें यो गांव में, तो घर तक चलने के बाद यो हमारा घेर है थोड़ी सी दूर जोड़ के पास से है, मतलब गांव में ही। तो यो देखने आगे थे हमें, यो हमारा बांटा रहा है बेर। यो सारा एक दीवार थी, देखो यहाँ पे पूरी दीवार थी, यो पूरा कोठड़ा बन रहा था, इसमें हम तूड़ा घेरा करते है मेरे देवर। और तो यो पूरी दीवार बे बारिश की वजह से ये पूरी उधर गिर गई, बोलिए इसका क्या करे उधर गिर गई। और इधर है बे साइड में खाली खेत है, यो तो नीचे पड़ रहे थे तो शायद इसकी वजह से ये पानी बहुत साल पुराना मेरे ससुर के हाथ का बनवाया हुआ था ये बाउंड्री, और ये कमरा बना रखा था तूड़ा का। तो यू गिर गया तो हम यू देखने आगे बे, पूरा तूड़ा दब गया इसमें, तीन चार किल्ला का तो तूड़ा आराम से आ जाया करता। देखो यहाँ से दीवार गिर गया तो इब हम ये लेबर लगवा कर ये सारी ईटे हमने उठवा कर अंदर रखवानी पड़ेगी। देखो बड़ा ही कमरा था बे, नरा तूड़ा आया करता, इसमें पूरी छत भी गिर गई सारी इस तूड़े के ऊपर, और यह दीवार पिछली साइड में गिर गई। ये भी करवानी पड़ेगी, हमने करवावेंगे थोड़े से दिन के बाद, इसने लेबर लाबर मिस्त्री लगा कर यह दीवार कटवानी पड़ेगी। तो हम फिर यो घेर दिखन लगे हैं, गाटर टुकड़ी थी जो ये यहाँ लगवा दी थी, 1-2 दिन लेबर लगवाए थे। यो भी एक कमरा बन रहा था, ये 2 कमरे बन रहे थे, इसकी भी 1-2 ये टुकड़ी गिर गई थी। इसके नीचे ये मेरी दुरानी गोसे गासे लगा लिया कर दी जगह थी, तो बटोड़ा बटाड़ा धरण की मेहनत तो बच जावे, यहाँ गोसे लग जावे तो यो गिर गया। यो देख के आई फिर हमें, मुंह तो जब तक बढ़ता है ना चीज जब तक सही रहा है। देखो कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, ऊ भी या चमासा में तो ये जावा गजाडा में सूख जाओगी, की करी काकरी हो रही है साइडा में को।
ये राछ रूछ खड़े कर दिया करें, ये ट्रैली ट्रोली और ये खेत खात के जो भी राछ है ये और किसी के भी खड़े हो जावा है बे, खाली पड़ा है तो बड़ा ही प्लाट सही हो महाराड़ है, करवावांगे कदे शीश ने फुर्सत मिलेगी जब इसकी बाउंड्री कटवा का बढ़िया सी बनवावांगे। गांव में मकान तो हमने बनाया ना है, बनावांगे मखा कदे गांव में रहना तो है को नहीं, मकान पे खाम खा का पीछा लगाया का वहां करा के और थोड़ा सा ये वाड़े जोड़ के ऊपर है जीते जोड़ दिखेगा आगे मैं दिखाऊंगी उसको ऊपर है, तो थोड़ा सा जो मेन घर है माम जीती रहन लग रही मेरे देवर और उसे थोड़ा सा दूर पड़े है मखाड़े एकांत में को बना भी लिया तो उठा ले जाऊं को बर्तन भांडे भी एकांत सी में, तो इसलिए हमने ये गांव में मकान बनाया ना है वे, यहाँ पहले हम गोसे गासे पत्थर कर दे बटोड़ा दरिया कर दे ये ट्रैली ट्रोली खड़ी रहा कर दी भी, जब आदमी गांव में ना रहन रवे तो फिर यू न्यू हो जाया कर, ये करवावांगे इसकी सफाई सफुई। तो हम यू देखने आ गए थे वे, वो तो गई थी हमने लेटे हमें 6:30 बज गए थे गांव में ही, फिर इसके बाद फिर हमें पहुंच गए थे वे खेता में। आ जाओ आप लोगों को मैं खेत दिखाऊंगी, देखो यू है वे डोब का जोड़, देखो पूरा फुलम फूल हो रहा है क्योंकि ये बारिश हो रही इतनी सारी तो जोड़ तो फूल भरे है, देखो दीवारा का भी पानी लग रहा है इतना ठाडा जोड़ भरा है वे यू, और ई बागे भी देखो हम खेता में फिर भी यहाँ डोब में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही, ठीक बारिश हो रही है। आगे वीडियो आओगी देखियो वे कविता का भाई और कविता का माई का में कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है, आगे वीडियो देखियो आप लोग अपने खेत में पहुंच गए कोने जाओ गाड़ी आड़े खड़ी करनी पड़ेगी बब्बर, और आगे भी रास्ता है टूटा पड़ा है, साइड में लगा दे एक बोर्ड स्थिति देख के आवागे बस क्या न करे है। अच्छा पड़ रहे हैं ये बीच में काया दी है पानी में, तो देखियो लो बे खेत ने एक बार देख जावा धान, ये एम्स है जैसे हमारे खेता तो लो ही पड़े है IIM सॉरी और पुलिस लाइन, ये मेन जो हाईवे है वो वाला हाईवे है, खेता में आया थोड़ी सी ठंडी हवा चल रहा है, ये पानी है ना कविता पानी की वजह से आ तो किले देखा वहां आ रहे हैं, तो मखा थोड़े लेट तो हो गए हमें लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलो थोड़ा घूम के आते हैं खेता में, रास्ता देखो किसा बुरा हाल हो रहा है, ये शायद अड़ंगा पड़ के गिर रखा है धरना का आ जाओ आप सबको भी खेता में घुमा कर ले, घर तो इतनी दैम हो रही थी इतनी गर्मी लग गई थी, यहाँ आके ठंडी हवा लगी है एकदम शुद्ध वातावरण, गुड़गांव की पी 5-7 दूर आ गया था मैं खेता में, लो बे यह ज्वार है यो मतलब गोरते हैं एक किला छोड़ कर यहाँ से मारे किले स्टार्ट हो जावे हैं, और आ जाओ थोड़ी सी और गति दिखाती हूँ आप लोगों को, वह सोलर प्लेट लग रही वहां तक ये एक लाइन में सारे मारे किले हैं, बाकी दया है मालिक की, आ जाओ बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो ज्वार में भी पानी खड़ा है नराई, अरे ये धान बो रखे हैं वे, यहाँ गति वहां धान दिखे ना वहां तक है, दो लाइन है ये एक या लाइन एक वा लाइन, इनकी बार बस यो आधा किला शायद जुआर का बो रखे बाकी सारे धान ला रखे इसका काका ने, मारा मेरा देवर जो गांव में रहा है वो ही बोया करे हमारी भी और उनके भी कट्ठे हैं, तो ये दो लाइन है हमारी, ये देखो हाईवे से ज्यादा दूर तो कौन है लो वही है 3-4 किले शायद अंदर होंगे, ये देखो किसा रह रहा पानी हो रहा है, इनमें तो ठीक दिखा है इनके काका है मैं तो इनमें यो रह रहा पानी हो रहा है, क्यों हो रहा है बेरा नहीं मन्ने तो बताइयो किसी ने बेरा हो तो क्यों हो रहा पानी क्यों हो रहा है, इनमें थोड़ी थोड़ी काई है, सुमित और कविता जा लिए आ गए, मैं चलो आज तो घुमा लिया हूं तमने भी खेता में, हाँ एक खेत और है वो सुनारिया की बिल्कुल बदरो के पास में वहां जावांगे इबा में, वहां की ओर देख के आते आज खेत
ये चार किले थोड़े से माटे ठुआई थी कविता, अगर पानी इसमें और आ गया ना तो ये फिर खराब हो जाएंगे। ये चार किले थोड़े नीचे हैं, इनमें थोड़ा पानी ज्यादा, जितनी सांगी में हो रही डूब जाएंगे। सांगी में तो भगवान है, देखियो आगे कविता का भाई ने वीडियो भेज रखी है, पानी में तरे है। हाँ छाती छाती पानी है वहाँ तो, वे सफेद सफेद के दिखे बबर, वो सफेद सफेद आगे वो तो ये झुग्गी बना रहे हैं कि लग गए हैं कुछ झुग्गी से। ये सोलर प्लेट भी लगा रखी खेत में है, हाई ट्यूब लगा रखा हुआ है। सोलर प्लेट लगाते ही हाँ, चलो चलो लेट हो जाएंगे फिर, चलो लो बे एक खेत और मारा, यो बदरो का दौर है, जैसे ये रोहतक वाली बदरो है, मैं दिखा दू आपने पूरा, आज तो फुल फूल चल रहा है वे, काला पानी गंदा पानी आओ कोई था। यो बदरो है, यो बदरो का सारा एक रोड बन रहा है, और यो आवे है गांव की तरफ से रोड, यो गया है रोहतक की तरफ एक रोड, और यो उतर है सुनारिया की तरफ रोड, यो आगे जो रोड जावे है ये सुनारिया जावे है, और यो कोठड़ा है मारा बदरो के इस पार, ये देखो। हाँ ये धान भी सही है अपने, वहां तक है ये दो किले, वहां तक इस तक गई सुनारिया वाले खेत शुरू हो गए। हाँ और ये भी दो बड़े के किले हैं जो आप मारा तक गए हैं, वे हैं यो कोठड़ा, यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, यहाँ से हम पाइप दबा कर ना उस वाले खेत में लेके गए हुए हैं, ये बहुत पहले पाइप दबा दिए थे मेरी शादी के शायद साल भर के बाद, ये पाइप दबा दिए थे। ये सारे इस तरफ भी थोड़े से, ये मेरी ननद सुमन और हैं उनके खेत हैं इस साइड इधर, और फिर इस तक गई है सुनारिया के खेत शुरू हो जाए, और वो जो मैं बताऊं थी एम से जो वो यहाँ है। चलो ये भी ठीक है, पानी इनमें भी ज्यादा नहीं है, ठीक है पानी, मतलब कम बारिश हो रही है यहाँ, ठीक है सुथरे लग गए धान तो, बाकी भाई आ गए ये बाग गए और कुछ नहीं बस है तो। यह क्लिप वे कविता का भाई ने भेजी थी, देखो सांगी में कितना पानी भरा हुआ, देखो वे पूरा आदमी के छाती तक का पानी आवे है, इतना इतना पानी खेता में भरा हुआ है, बेबेरा तो यो पाछे तो छोड़ रहा है, बेरा नहीं इतना बारिश का पानी हो रहा है के यो देखो कितना पूरा तालाब बे तालाब पानी पानी दिखे जितनी दूर तक नजर जावे, देखो के होगा इबके के दान होंगे कुछ ना हो इनमें तो, इबके पानी उतरने में बेरा कितना टाइम लग जाएगा, बहुत बुरा हाल हो रहा है, पानी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, देख कितना पानी है। ये कि है तेरा लाग रहा है थोड़ा वह। चलो भाई मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।